आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका केतु कमज़ोर है या उसे आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं अपने केतु को बेनिफिट बनाने के लिए, उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आज हम इस वीडियो में ये सब जानेंगे। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि केतु है क्या। जो केतु है वो आपका शरीर है एंड केतु के पास सर नहीं होता है, तो उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। आप उनसे जितना भी फिजिकल लेबर करवा लीजिए, आप देखोगे कि वो ऑलवेज ऑन द मूव रहते हैं, जिन पे केतु का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। सो आप कैसे पहचानोगे कि केतु जो है वो आपको मैलिफिक इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं? आप देखोगे कि अचानक आपके साथ आपकी एक्सीडेंट हो गई, आपका जॉब चला गया। जो केतु है ना वो आपको टाइम नहीं देता है सोचने समझने के लिए। आपके साथ जो भी होता है अचानक होता है। जैसे मैंने कहा, आपके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी जॉब चली जाएगी, आपके जो मेडिकल इशूज़ आएंगे आप देखोगे कि वो नॉन डायग्नोजेबल हो रहा है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो, डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे कि आपको प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा है। सडनली एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं, डिप्रेशन के आप शिकार हो सकते हैं, किडनी में इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने व्यवहार में देखोगे कि आप में काफ़ी एरोगेंस आ गया है, आप लोगों के छोटी छोटी चीज़ों पे गलतियाँ निकाल रहे हो। तो ये सब संकेत करता है कि आपका केतु ख़राब है। साथ ही साथ जो केतु है ना, हमारे जो पाइप्स के जो जॉइंट्स होते हैं, जो बेंड्स होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं केतु को। तो अगर आपके पाइप में बहुत लीकेज है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो केतु है वो ख़राब है। क्योंकि केतु का जब इफ़ेक्ट नेगेटिव होता है तो वो आपकी बुद्धि को सबसे पहले भ्रष्ट करता है, आपके सोचने से समझने की शक्ति को ख़त्म कर देते हैं। तो इंसान जो है ना गलत फैसले लेने शुरू कर देते हैं। आप देखोगे कि आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हो, आप जो है सारे रॉन्ग डिसीशंस ले रहे हो। मॉर्निंग में आप काफ़ी रेस्टलेस फील करोगे एंड साथ ही साथ एक और संकेत है कि आपको लोगों से काफ़ी धोखा मिल रहा है। दैट मीन्स योर केतु इज़ ट्रबलिंग यू, आपको उसका ध्यान रखना है। तो ये तो हुई कि आप कैसे जानोगे कि केतु आपको ट्रबल दे रहा है, बट इसके उपाय क्या है, व्हाट कैन यू डू? तो सबसे अच्छा तरीका है केतु को ठीक करने के लिए आप अपने गुरु को ठीक कीजिए। तो आपके गुरु को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर ग्रह, और उसके लिए जो सिंपल सा तरीका है वो है, रोज़ सुबह आप नहा धोकर केसर का तिलक लगाइए। आप कोई भी चांदी की कटोरी में या नॉर्मल स्टील की कटोरी में भी कुछ स्ट्रैंड्स ऑफ केसर को अपने मंदिर में रख दीजिए या कोई भी अच्छी जगह पे रख दीजिए। रोज़ सुबह उसमें 2 ड्रॉप वाटर डालिए, उसे घोल के आप उसे केसर का तिलक लगाइए। आप इसे लगातार कुछ दिनों तक कीजिए, आप देखोगे कि आपका जुपिटर जो है, आपका बृहस्पति जो है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है एंड साथ ही साथ केतु के भी जो मैलिफिक इफ़ेक्ट्स है वो कम होने लग जाएंगे। दूसरा उपाय जो है वो है, आप स्ट्रे डॉग्स या फिश की सेवा कीजिए। तो अब आप उनकी सेवा कैसे करोगे? आप उन्हें खाना खिलाइए, फीड देम, एंड आप देखोगे कि केतु जो है आपका, जो उसका नेगेटिव प्रभाव है वो कम होने लग जाएगा। अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू अगर आपका केतु आपको ट्रबल कर रहा है कि आप अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों को वर्शिप कीजिए। क्योंकि जो हमारे जो केतु अगर ख़राब होता है तो हमारे जो पूर्वज है वो उनका उनसे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अगर आप उन्हें वर्शिप करते हो, उन्हें प्लीज करते हो, तो आपको केतु की जो मैलिफिक इफेक्ट्स है वो कभी भी परेशान नहीं कर सकती है। सो मेक श्योर दैट यू वर्शिप देम एंड प्लीज देम। साथ ही साथ आप लॉर्ड विष्णु को बनाना खिला सकते हैं, इससे भी आपका केतु अच्छा होता है। एंड जो एक बहुत महा उपाय है वो है गणपति वर्शिप करना, लॉर्ड गणेशा को वर्शिप करना। अगर आपको केतु के काफ़ी नेगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं तो आप 7 ट्यूसडेज को गणपति को जाके एक पताका, लाल झंडा आप समर्पण करें और आप देखोगे कि आपको काफ़ी फ़ायदा महसूस हो रहा है। साथ ही साथ रेगुलर में आप गणपति का जो मंत्र होता है, ओम गम गणपताय नमः, उसका चैंटिंग कीजिए। आप एटलीस्ट एक माला डेली कीजिए एंड आप देखोगे कि केतु के मैलिफिक इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हो गए हैं और आपको काफ़ी राहत मिल रहा है। सो ये है कुछ उपाय केतु के। साथ ही साथ मैंने आपसे संकेत भी शेयर किए हैं, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको केतु ट्रबल कर रहा है तो आप उसके उपाय कैसे करेंगे। आई होप दैट ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगेगा एंड आप इसमें से जो भी रेमेडीज़ है आप उसे अप्लाई करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ डू शेयर विथ योर नोन वंस, विथ योर नियर एंड डियर वंस, सो दैट मैक्सिमम पीपल
पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो और वे उसका फ़ायदा उठा सके. सो डू लाइक आवर वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट, बिकॉज दिस इज़ द लव वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. दिस इज़ वॉट कीप्स अस गोइंग एंड कीप्स आर फैमिली ग्रोइंग. सो डू you know, share us with all your love and abundance, and we'll keep making some good, knowledgeable videos and keep coming back to you all. Thank you so much for watching us.